आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अब आ गई है भाईजान ठंड, थोड़ा थोड़ा आपको बाहर भी दिखाता हूँ। आज मैं बाहर निकला हूँ, वैसे तो टेम्परेचर जो है वो -8 -9 है, रात में जाएगा -14 तक, लेकिन ठंड जो है ना वो है -12 -15 से के दरमियान ठंड है, और रात को -20 तक के करीब शायद चली जाए, -16 -17 तक तो कह रहे हैं ठंड जाएगी। तो थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। तो जनाब गाड़ी से निकलने से पहले ज़रा बंडल अप हो लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ठंड बड़ी है भाई। थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ, शुक्र है बर्फ़ नहीं पड़ी हुई आज। ये कान कवर करने बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना मैं दवाई लेने निकला था। वैसे मैं कोई तफरी में तो लिखना निकला नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अब दवाई लेने निकले हैं आपसे, मैंने कहा था मैंने आपको बताना है, तो वो इंशाल्लाह ताला दिखाता हूँ। उमूमन तो ये मास्क की वजह से भी कवर हो ही जाता है मुंह, लेकिन मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ प्रॉबेबली इतने लोग नहीं हैं, बल्कि शायद ही खाल खाल हो। अल्लाह का शुक्र है कि बर्फ़ नहीं पड़ी हुई है। बर्फ़ पड़ी हुई होती है ना, फिर उसके बाद जब ये ठंड पड़ती है बर्फ़ के ऊपर उठती है, तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह का एक शुक्र ये है कि अभी तक बर्फ़ इतनी नहीं पड़ी, प्रॉबेबली एक आध सेंटीमीटर पड़ी होगी। आज भी थोड़ी सी पड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हाल नहीं है। तो चलें थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, इसलिए एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ थोड़ा सा पॉन्ड भी है, लेकिन पानी अभी जमा नहीं है, उसके अतराफ में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो लेट्स सी हाउ इट इज़। हाँ तो जनाब देखते हैं ज़रा अब क्या हाल है यहाँ का। ठंड पड़ रही है ज़बरदस्त किस्म की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है पानी के पास, तो ज़्यादा देर मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे। एनीवे तो दरख्त के पत्ते भी झड़ गए हैं सारे। इट्स कोल्ड। चलें इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। तो जनाब बहुत ठंड है। ग्लव्स पहने हुए थे मैंने, उसके बावजूद बहुत ठंड है। हैंड्स आर फ्रीजिंग कोल्ड। चले इंशाल्लाह ताला फिर कभी बर्फ़ शर्फ पड़ी ना तो दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी तो इतना ही है। फिर बात करते हैं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।